हेलो एवरीवन, आज हम एयरलाइन मैनेजर का ये तीसरा पार्ट है हमारे चैनल पर, और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एयरलाइन है उसको ग्रो करने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा हब, जो हम हब सेलेक्ट करेंगे और उस पर जो पैसेंजर की डिमांड होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देखते परचेज कर सकते हो इस जगह से। तो देखते, मेरे पास अभी दो हब है, तो देखते कौन कौन से है। तो मेरे पास एक मपूतो है और एक हांगकांग है। तो आप देख सकते हो दोनों में लगभग अभी शायद डाउन चल रहा है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो आप अभी जब भी कोई सबसे इम्पोर्टेंट होता है हब, ऐसा हब सेलेक्ट करो जिस पे डिमांड ज़्यादा हो पैसेंजर्स की, राइट। और अगर आपको पता नहीं है कौन से हब अच्छे है, किस पे ज़्यादा डिमांड है, तो इस वीडियो के नीचे मैं कुछ हब की लिस्ट दे दूँगा, तो उसमें से आप देख सकते हो, ले सकते हो, कोई हब परचेस कर सकते हो। जिसमें मैं अरेंज कर दूँगा सीरियल वाइज कि किस पे ज़्यादा है किस पे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो हब, राइट। ओके, हब के बाद आता है रूट। जो भी हम हब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें रूट सेलेक्ट करना है कि जो भी हम रूट ले रहे हैं उसके उस पर भी एक इनफ पैसेंजर की डिमांड होनी चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट 1300-1400, इतनी तो होनी चाहिए, 1000 के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखते हैं इस फोटो के रूट में क्या क्या देखते हैं अभी। तो देखिए अभी जो सारे मेरे रूट्स है, स्पेस हमारे सब प्लेन असाइन है, फिर भी इतनी पैसेंजर की डिमांड बची हुई है, मतलब ये प्रॉफिट में रहे है। कभी भी आपका जो पैसेंजर डिमांड है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे इस जगह -1 दिख रहा, तो -50 तक चल सकता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। कभी कभी आप पैसेंजर डिमांड 50 से बढ़ेगी, कभी किसी दिन 50 से, कभी लाइक हो सकता है संडे के दिन आपकी पैसेंजर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और या मंडे के दिन आपकी पैसेंजर डिमांड बहुत कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगभग 50 प्लस माइनस ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो आपको उसको अरेंज करना है उसका, या फिर उसकी आपको प्राइस को मैनेज करना है। प्राइस मैनेजमेंट का भी हम सीखेंगे बाद में, मैं बताऊँगा आपको। तो देख सकते हैं आप किसी भी रूट में मेरा माइनस नहीं, जब माइनस हो सकता है कभी कभी, तो हम उसको अरेंज कर देंगे कि देखेंगे कि अगर इकोनॉमी में माइनस चल रहा है, बिजनेस में ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट की जो इकोनॉमी क्लास की सीट है वो कम कर देंगे और बिजनेस की बढ़ा देंगे, वो तो रिकॉन्फ़िगरेशन करके तो अरेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो अब माइनस मेरे इसमें कोई भी माइनस नहीं है अभी तो फिलहाल, ठीक है, सब में पैसेंजर है। तो अगर इसमें देखिए, ये जो इसमें ADL में है ये वाला, तो इसमें 1703 पैसेंजर की डिमांड है, और मैंने एक एयरप्लेन उस पर लगा भी दिया पहले से, तो इसमें मैं और एक लगा सकता हूँ, राइट। तो ऐसे तो सब मेन होता है हमारे रूट। आप मेरे भी रूट कॉपी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, या फिर आप खुद से भी और रूट सेलेक्शन करके कर सकते हो, राइट। ओके, तो देख सकते हो एक भी रूट है इसमें माइनस का कोई भी पैसेंजर डिमांड नहीं है अभी। अब रूट के बाद आता है एयरप्लेन। तो एयरप्लेन हमें कौन से सेलेक्ट करना चाहिए, अब जब भी एयरक्राफ्ट परचेस करो तो हमेशा लॉन्ग रूट एयरक्राफ्ट ही परचेस करो, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि अगर आप अगर आपका रूट भी छोटा हो, लाइक 2-3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, या 5 घंटे का भी हो, तो उस पर आप बोल सकते हो कि इसमें हम मीडियम हॉल लगा सकते हैं, बट नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको आप उस पर लॉन्ग हॉल ही लगाए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप कोई मीडियम छोटा एयरप्लेन लेंगे, मीडियम हॉल एयरप्लेन लेंगे, और उसमें सीट तो ऑलरेडी कम ही होती है, तो आपको क्या होगा, करना पड़ेगा सेम एयरक्राफ्ट को 2-3 बार लगाना पड़ेगा एक ही दिन में। तो उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल ही है, जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो बढ़ जाएगा उसमें। अगर हम फॉर एग्जांपल हम किसी रूट पे अगर 1000 पैसेंजर की डिमांड है, राइट, एक दिन में, और हमने A320 ले लिया, तो उसमें सिर्फ 200 ही सीट है, राइट। अगर A320 को हम उस रूट पे चलाना है तो हमें उसको लगभग
दो या तीन बार चलना पड़ेगा वो पैसेंजर की डिमांड फुलफिल करने के लिए। तीन बार चल गया राइट, तीन बार चल गया मीन्स उसका फ्यूल कंजम्पशन तीनों बार बढ़ गया। ओके, अगर उसी जगह पे हम कोई A380 लेंगे, 747 लेंगे, तो 747 भी लेंगे तो उसमें लगभग 500 के ऊपर ही फ्लाइट सीट्स है। तो मतलब एक ही फ्लाइट में हमारा पूरा जो कोटा है वो 1000 फ्लाइट का, मतलब 500 आने का 500 जाने का वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक ही फ्लाइट में हम वो पूरा का पूरा जो सीट है वो जो डिमांड है वो फुलफिल कर रहे हैं, मतलब एक ही फ्लाइट में। तो हमारा फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा राइट। और जो अभी A320 लगा रहे थे उसमें तीन बार आ रहा था जा रहा था, उसमें तीनों बार मतलब यहाँ पे सिर्फ फ्यूल ही कंजप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमें लाइक फ्यूल कंजप्शन हो रहा है और अदर चार्जेस भी होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, वो भी देने पड़ेंगे उसके साथ। तो वो बहुत ही घाटे का सौदा है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप लॉन्ग हॉल ही परचेस करें एयरक्राफ्ट, और मिनिमम आई थिंक 400 से ऊपर ही सीट्स होनी चाहिए एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि अब हम जो भी हम परचेस कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर ही सीट होती है इकोनॉमिक की, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक राइट। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आप हमेशा लॉन्ग रूट के ही एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करें जब भी परचेस करोगे। और अब हमने एयरक्राफ्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है उसको उसकी सीट वो सब आप उस रूट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी रूट में 800, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट में 500 सीट है, ओके, इकोनॉमी मतलब टोटल 500 सीट है, और जब आपको ये रूट सेलेक्ट किया है उसमें सिर्फ 800 ही सीट है इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक 800 सीट है और बाकी बिजनेस हो सब थोड़ी थोड़ी बाकी है। तो अगर आप 500 इकोनॉमिक रख देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 500 जाने का 500 आने का मतलब 1000 हो रहा है, तो हमारे पास सिर्फ 800 सीट है इकोनॉमिक, तो 200 माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 400 इकोनॉमिक रखो, 50 बिजनेस की रखो, 25 ऐसे, मतलब जब भी आप एयरक्राफ्ट परचेस करोगे और कोई रूट परचेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही सीट को अरेंज करना, ना कि जैसे ही रैंडम रख देना सीट, ऐसे नहीं करना है। प्रो एकदम बराबर जो हमारी रूट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम हमारी जो सीट अरेंज होनी चाहिए। और उसके बाद आता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है हमेशा 100% यूज़ होना चाहिए, तभी आपको उस एयरक्राफ्ट से प्रॉफिट होगा। मतलब 100% मीन्स लाइक अभी कोई आपका रूट है 23 घंटे का राइट, एक दिन में, तो अभी दिन का एक घंटा बच रहा है, मतलब वीक के 7 घंटे उसमें वो एयरक्राफ्ट खड़ा रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि छोटा सा रूट परचेस कर सकते हो और उस 7 घंटे का कोई भी एक ऐसा छोटा रूट जो भी आपके हब के पास है पास में है वो 7 घंटे का जो रूट है वो उसमें डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो आपका एयरक्राफ्ट 100% फुल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं मेरे एक दो एयरक्राफ्ट मैंने जो अब आप नीचे देख सकते हो जो पूरे 100% है, और ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो 99% 98% ऐसा हो, कम ज़्यादा होगा। तो हम भी पहले 100% से देखते हैं, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फ्लाइट्स है कैसी लगाई हुई है। तो एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स देखते हैं, देख सकते ये मेरा ऑलमोस्ट 24 आवर्स का रूट है, इसलिए इसमें टोटली एयरक्राफ्ट यूज़ हो गया है राइट। तो मैंने रूट ही ऐसा सेलेक्ट किया था कि जो ये पर्टिकुलर 330-300 एयरक्राफ्ट है और 24 आवर्स में उसका पूरा एक आना और जाना कंप्लीट कर सकता है, तो इसलिए ये 400% फुल दिखा। तो आपको ऐसे ही करना है, ये भी आप रूट सर्च करो और एक रूट कैसे सेलेक्ट मतलब रूट कैसे परचेस करना है ये भी मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इस कैसे मतलब आप अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट कैसे 24 आवर्स में जाएगा, 12 आवर्स में जाएगा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आप मुझे बताइए आपकी आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बताइए आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए, आप किसके किस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी आपको भी हेल्प करता रहूँगा। ओके, अब देखिए इसमें हम एक थोड़ा कर सकते कि अभी एक लगभग आई थिंक डेढ़ घंटा एक दिन में डेढ़ घंटा हमारे पास बचा हुआ है, देख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा ऐसे मतलब अरेंज इस तरीके से करके
तो देख सकते हो आप, मैंने थोड़ा अरेंज करके, जो पहले हमारी सिर्फ एक दिन में एक एक चल रही थी, तो डेढ़ घंटा जो बच रहा था तो उससे मैंने लगभग 12 आवर्स यहाँ पे खाली कर दिए। और आपको आपको मेक श्योर ये भी करना है कि आप उस, देखो मैं इसको हिला रहा हूँ, मतलब ये पैसेंजर डिमांड ऊपर आप रेड में देख सकते हो। मैं वापस उसी दिन पे लगाता हूँ, ये 1206 सीट्स माइनस चली जाएगी, और मैं उसके ऊपर लगाता हूँ तो ये प्लस में। तो आपको जब भी आप अरेंज भी कर रहे हो तो आपको ऊपर भी देखना है कि आप सही से अरेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आप देखते हो जो भी ये 12 घंटे बचे हुए बीच में, तो हम इसमें एक छोटी सी फ्लाइट लगा देंगे जो भी 12 आवर्स की हो सकती है, राइट। अब इसकी डिमांड देख सकते हो कि 613 इकोनॉमी, मतलब हमें लगभग 1200 सीट्स चाहिए लगभग, तो अभी हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, नहीं तो हम लॉस में चले, फिर वो माइनस में दिखा देगा। तो हम देखते हैं कोई ऐसा रूट है जो उसमें 1200 सीट्स अवेलेबल है, देखते हैं। और वो लगभग 12 आवर्स का ही होना चाहिए, तो देख सकते हैं ये एक है, इसमें लगभग मंडे है माइनस दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ मंडे लगा रहा हूँ, तो ये ऊपर माइनस दिख रहा है 586, तो मतलब इस दिन हम नहीं लगा सकते इस फ्लैट को, क्योंकि वो माइनस में हमारा घाटा हो जाएगा उससे। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे हर दिन में लगाता हूँ, मैं अगर देखता हूँ किस दिन में डिमांड है पैसेंजर की, इसमें फ्राइडे को भी नहीं है, सैटरडे को भी नहीं है, संडे को डिमांड है कि, तो ऊपर आप देख सकते हो हमें फ्लाइट लगाने के बाद भी हमारे पास 278 पैसेंजर बच रहे। तो हम क्या करते हैं, पहले इस जो हमारी करंट फ्लाइट है उसको अरेंज करते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर डाल देंगे, राइट। हमने इसको अरेंज कर दिया, राइट। और फिर देखो यहाँ पे हमारे 12 आवर खाली हो गए, हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका 100% यूज़ किया है, तो फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, और जो भी एयरक्राफ्ट है आपका उसको आपको 100% यूज़ में लेना है। ऐसे अगर कोई थोड़ी सी जगह बचती है, मतलब अवस बचते हैं आपके फ्लाइट के, तो उसको आप ऐसे, मैंने जैसे अरेंज किया उसको अरेंज कीजिए, छोटा सा एक रूट परचेस कीजिए 5-6 घंटे का, 1-2 घंटे का, उसमें उसको फिट कर दीजिए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते मैं और टिप्स की वीडियो लाता रहूँ, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं, आप बताइए मुझे कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।